मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा वीडियो जिसमें मैं आज आपको रैंप से जुड़ी बातें आपसे साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि रैंप को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कराया जाता है। उसको कंस्ट्रक्ट कराने से पहले हमें उसकी शटरिंग करानी होती है। शटरिंग कराने के बाद फिर स्टील बाइंड कराना होता है, फिर उसके बाद कास्ट कराना होता है। तो दोस्तों यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा जो है रैंप स्टार्ट होता है। अभी देखिए, ये जो हमारा स्लैब का पोर्शन है, इस स्लैब के पोर्शन के बाद से यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से रैंप के थ्रू हम बिल्डिंग के अंदर तक जा सकते हैं। ये होता है हमारा पार्किंग स्पेस तक जाने के लिए रैंप का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब हम रैंप बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले ये शटरिंग लगवाई हुई है यहाँ पर। अब ये शटरिंग किस तरीके से लगाई है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये हमने शटरिंग लगाई है, ये शटरिंग जो है यहाँ पर रेशियो जो लिया गया है 1:8 का स्लोप लिया गया है। तो वो मैं आपको फिर कभी डिस्कस करके बताऊँगा कि 1:8 का स्लोप किस तरीके से लिया जाता है। तो दोस्तों जितनी भी डिस्टेंस होती है उसमें हम जैसे 1000 mm होते हैं, अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 mm आ जाएगा। तो यानी कि हमें 1000 में 125 mm डाउन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम क्या है पूरे रैंप की शटरिंग लगवा देते हैं। ये इसी तरीके से हमने पूरे रैंप की शटरिंग लगवाई हुई है। ये देखिए, वहाँ तक हमने रैंप को अभी इस समय कास्टिंग के लिए प्रिपेयर करवा दिया है। अब यहाँ देखिए, जो साइड में हमने ये वॉल है, इस वॉल के साइड में एक बीम आएगा यहाँ पर कॉर्नर पर, ये आ रखा है बीम। ये बीम डलेगा, बीम कास्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर में कोई स्लैब नहीं आएगी, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर एक बीम बनवाया हुआ है और ताकि वो बॉटम में सपोर्ट करे। और उसी के साथ साथ में जो यहाँ पर वॉल आनी है, उस वॉल के साथ में ही ये जो है सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये जो वॉल काफ़ी हाइट तक जाएगी, इसलिए हमने ये वॉल के अंदर ही ये शियर वॉल को बनवाया हुआ है। अभी स्टील बाइंड हो रखा है, बाद में इनकी कास्टिंग की जाएगी। दोस्तों वहाँ पर पीछे से देखिए, वहाँ पर ये जो होती है, ये साइड होती है या मेकिंग जिसको बोलते हैं, ये लगवा रखी हैं। इन पर जो है शटरिंग ऑयल लगाया हुआ है, ये कोई भी ऑयल हो सकता है हमारा शटरिंग के पर्पज़ से यूज़ करने के लिए, जिससे क्या होता है हमारी शटरिंग एक या दो बार ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं हम। अगर हम किसी भी प्लाई की शटरिंग को यूज़ करते हैं या स्टील की शीट को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारी फिनिशिंग आती है वो काफ़ी अच्छे से आ जाती है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टील को बाइंड करवा दिया है अच्छे तरीके से। ये बीम का पोर्शन है, मैं बीम में भी आपको दिखाऊँगा किस तरीके से बीम को बांधा गया है। इसके अंदर रिंग डले हुए हैं, ये देखिए, और इनके अंदर एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड किया गया है, एक्स्ट्रा बार जो है वो प्रोवाइड की गई। ये नीचे की तरफ जो है, ये वाली बार जो है ये एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा बार इसमें प्रोवाइड की गई है। और ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर अब हमें ये स्लैब जो है कास्ट कराने के लिए रेडी कर चुके हैं। इसमें सिर्फ एक काम रह गया कि कंडूटिंग होना बाकी है। ये देखिए, हमने इसमें बीच बीच में चेयर और कवर ब्लॉक लगा करके हमने इनको तैयार कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे ये चेयर लगी हुई हैं, ये चेयर जो है हमारी हाइट जो होती है इसकी 100 mm होती है। और ये देखिए, चेयर जो है यहाँ से लेकर के ये हाइट जो इसकी 100 mm है, ये इसका 150 का स्टैंड है और यहाँ से ये इसका 600 का स्पेस है बीच में। तो ये इसका डायमेंशन है चेयर का। चेयर ये इसलिए यूज़ किया जाती है दोस्तों कि जिससे कि जब हमारी स्लैब जो है डबल जाल में बांधी जाती है कटिंग करके बीच में, तो वो सरिया नीचे टच ना हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं चेयर को डालते हैं जिससे कि ये सरिया ऊपर की तरफ उठा रहे। अब उसी के हिसाब से हमने पूरी छत को अच्छे तरीके से बाइंड करवा दिया गया है। ये देखिए, मैं आपको उधर ही ले चलता हूँ जहाँ तक ये छत बंध चुकी है, वहीं चलते हैं हम लास्ट तक। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हम जो है पहले डावल नहीं छोड़ पाए थे, तो हमने यहाँ पर ड्रिल करने के बाद यहाँ पर इसमें रीबारिंग की है। अब रीबारिंग का प्रोसेस क्या होता है,
इसमें प्रोसेस ये होता है कि हम इसमें पहले होल करते हैं, होल करने के बाद इसमें सरिया डालते हैं और फिर इसमें केमिकल भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है केमिकल जो होता है एक सीमेंट का पेस्ट होता है, जिससे अच्छे तरीके से मजबूताई हो जाती है। तो यहाँ पर हम डबल नहीं छोड़ पाए थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर रीबारिंग की हुई है, जिससे कि ये स्लैब जो है इसका लोड जो है इस वॉल पर रेस्ट होके डाउनवर्ड हो चला जाए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर चुके हैं हम यहाँ पर। अब इसको कास्ट कराने के लिए हमारे पास में ये स्लैब रेडी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे की तरफ में एक टो वॉल आ रखी है, ये टो वॉल जो है जब ये स्लैब पूरी इधर से यहाँ तक आएगी तो इसका लोड रेस्ट करने के लिए इस टो वॉल को हम कंस्ट्रक्ट कराते हैं। अब इस टो वॉल में हमने स्टार्टर भी बनवा रखा है और इधर बोर्ड लगा करके इसको फिक्स कर दिया जाएगा। और ये देखिए जो सरिया रखे हुए हैं, इन सरियों को हम यहाँ पर डालेंगे, जिससे कि हम जब रैंप आगे की तरफ इसको ले जाएंगे, रैंप यहाँ जा करके उस कॉर्नर पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सरिया हमने इसलिए डावल की वजह से आगे निकालने के लिए हमने इनको रखा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आपकी रैंप से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको शेयर की हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं एक्चुअल साइट से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू दोस्तों। यहाँ देखिए अब हम वापस जा रहे हैं। ये यहाँ से रैंप आपका स्टार्ट होता है और इधर से रैंप स्टार्ट होते हुए वहाँ तक एंड होता है। थैंक यू दोस्तों।